ज्योतिष आचार्य जी, अक्षय तृतीया के दिन सबसे शुभ दिन माना जाता है सालों भर में। इस दिन सोने चांदी की खरीदारी करते हैं। इसके साथ ही अगर जिसकी कुंडली में पितृ दोष है तो उस दिन पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो और उसके घर में हमेशा आर्थिक उन्नति बनी रहे। हर हर महादेव। जय बाबा विद्यनाथ। 10 मई को होने वाला अक्षय तृतीया जो है, यह वर्ष का 3.5 मुहूर्त जो है स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा जाता है। 3 मुहूर्त वर्ष में जो होते हैं, जिसमें कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी कार्य को आप संपादित कर सकते हैं। अब अक्षय तृतीया को यदि आप पितृदोष, आपकी कुंडली में पितृदोष है या पितृदोष से परेशान हैं, आपको अनुभव हो रहा है कि हमारे ऊपर पितृदोष है, तो उस दिन आपको करना क्या है, छोटा सा उपाय करना है। यदि आप उपाय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे, और पितृ जब तृप्त हो जाएंगे तो आप पितृदोष से मुक्त हो जाएंगे। करना क्या है, उस दिन अक्षय तृतीया को जल में सादा फूल डालें, काला तिल डाल करके पितरों का सबसे पहले तर्पण करें। पितरों का तर्पण करने के बाद उस दिन आप गया श्राद्ध भी कर सकते हैं। पितरों की पूजा करें और पिंडदान अवश्य करें। यदि आप तर्पण और पिंडदान करते हैं तो आपके पितृदोष, यानी आपके पितर जिनको कि मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, जो भटक रहे हैं, उनको शांति प्राप्त हो जाएगी। और अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूप से अपने पितरों के नाम से अन्नदान गरीबों को अवश्य करें, गरीबों को भोजन कराएं। उस दिन आप कौआ, कुत्ता, गाय और ब्राह्मण, ये 4 जीव को आप अवश्य भोजन कराएं। और भोजन कराने के बाद यदि उस दिन आपके दरवाजे पर ये 4ों में से कोई आ जाता है तो निश्चित कुछ न कुछ खिला करके पिला करके आप विदा करें, तो आपको पितृ ऋण यानी पितृदोष से मुक्ति होगी।